यह वीडियो काल्पनिक है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसके लिए इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है प्लीज उसे रियल लाइफ में रिपीट ना करें। और ये वीडियो में गालियां भी है, इसलिए माँ बाप से अगर चप्पल खाओगे तो मुझे मत बोलना। वाह, दुनिया में सबसे लंबा लौड़ा होता है किस्मत का। मूड में आ जाए ना तो गांड मार लेता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंटन की न्यू सीरीज़ के बारे में कि क्या बेंटन की कोई न्यू सीरीज सच में आने भी वाली है या फिर नहीं। कुछ लोग आपका ऐसे ही काटे जा रहे हैं अपडेट के नाम पर। और अगर आने भी वाली है तो क्या होगी, बेंटन ओमनिवर्स का सीक्वल होगी, रीबूट होगी या फिर बिल्कुल अलग ही एकदम न्यू सीरीज होगी। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। एंड ये चैलेंज की ही वीडियो है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो, एंड बेल आइकन को भी ऑल सेट कर लेना। वीडियो के तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखते हैं, वैसे भी हीरो बनकर हाथ मैले होते ही रहते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बेंटन की न्यू सीरीज ओमनिवर्स का सीक्वल होगी। तो सबसे पहले तुम लोग अपनी स्क्रीन पर ये देखो, इसे देखकर, पढ़कर, समझकर मुझे तो नहीं लगता कि बेंटन के क्रिएटर्स बेंटन ओमनिवर्स को कंटिन्यू करने में जरा भी इंटरेस्टेड हैं। अब हाँ, इसे देखकर बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगता कि न्यू सीरीज मतलब कि ओमनिवर्स कंटिन्यू होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत चांसेस है बट बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कि 100% में ना आने के चांसेस 95% एंड आने के सिर्फ 5%। तो मेरे थोड़े और बहुत का मतलब समझ हो गए ना। एंड देखो, कोई भी और अपडेट क्रिएटर्स ने बेंटन ओमनिवर्स को लेकर नहीं दी है। और खुद ही सोचो कि किसी भी न्यू सीरीज या ओमनिवर्स को कंटिन्यू होना ही होता तो बेंटन ओमनिवर्स को गए हुए अब काफी टाइम हो चुका है। मतलब बेंटन तो अब काफी टाइम से नहीं आया, बस रीबूट ही है जो बड़ी देर से खींचे जा रहा है। बट जो ओरिजिनल वाला बेंटन सीरीज था वो काफी टाइम हो गया उसे बंद हुए। एंड कोई भी न्यू सीरीज आने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। इतने टाइम में तो बच्चा बड़ा होकर अपने करियर पर भी फोकस करने लगता है। क्या ये किसी बेंटन फैन को बेंटन दिखाने की खुशी तब देंगे जब वो जॉब करने लग जाए एंड लाइफ को लेकर सीरियस हो जाए? और इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि बेंटन ओमनिवर्स का सीक्वल आएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो सीरीज आने को शो करता है बट फर्स्ट पॉइंट की तरह तुम्हें सुनकर होने वाला दुखी है। तो देखो, ऐसी काफी सारी डिटेल्स ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर दी गई है जो की ये शो करती है कि बेंटन रिबूट 2 भी आएगा। सॉरी गलत बोल दिया, बेंटन रिबूट 2 जरूर आएगा। अब ये सुनकर ऐसा रिएक्शन तो बिल्कुल मत देना। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। चलो इसकी परसेंटेज गेस करते हैं इसके डिटेल्स के बेसिस पर। हाँ मुझे पता है तुम इसके प्रूफ देखने के लिए उत्सुक हो रहे होगे, तो चलो पहले कुछ प्रूफ ही देख लो फिर गेस करते हैं। हाँ मुझे पता है कि ये न्यू सीरीज को इतना ज्यादा शो नहीं करता, तो पहले अब गेस कर लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। देखो डिटेल्स के हिसाब से मेरे को लगता है कि 70% रिबूट 2 आ सकता है, बट 70% मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, पहले सुन लेना। एंड 30% लगता है कि रिबूट 2 नहीं आएगा। अब तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देखते जाओ और सुनते जाओ। ये तुम्हें उन एजेंट्स का आइडिया दिख रहा है जिन्हें रिबूट के लिए कंसीडर किया गया था। एक्चुअली क्रिएटर्स ने काफी सारा कुछ सोचा था रिबूट के लिए, बट मेरे को एक बात हजम नहीं हो रही कि इतने सारे प्लान्स एक ही झटके में ड्रॉप कर दिए। एक्चुअली जब बेंटन रिबूट पर काम चल रहा था तब तक इन एलियंस का आइडिया रिबूट में फीचर करने का था, बट एलियन एक्सटिंक्शन के बाद इनको भूतकाल में ला दिया गया। मतलब कि इनके नाम के साथ साथ बॉस जोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, रिबूट में तो बेन 23 को भी खाने वाले थे बट उसका आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बेन 23 दिखाने वाले थे रिबूट में। अब यहाँ पर देखो, ये बात डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट जरूर बताई गई है। इसमें दिख रहा होगा तुम्हें टूल बॉक्स को फीचर करने के लिए लिखा गया है रिबूट में। टूल बॉक्स मतलब आर्मोड्रिलो डिमेंशन 23 का, तो अब समझे कुछ। एंड इसको देखो और समझो, यहाँ रिबूट की डिटेल्स में स्ट्रॉन्ग आइडियाज को मेंशन किया गया है फ्यूचर के लिए। तो अब तो समझ जाओ मेरे भाई, तुम्हें न्यू सीरीज के नाम पर फिर से मिलने वाला रिबूट ही है। बाकी काफी सारे समझदार लोग समझ गए होंगे और जो ना समझे हों उन्हें तो खुद बेंटन के क्रिएटर्स भी कहें तब भी वो नहीं मानेंगे ना समझेंगे। खैर चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि दे सकता है एंड ये सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। तो जैसा कि सेकंड पॉइंट के लास्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि रिबूट की डिटेल्स में एक ऐसा पॉइंट दिया गया है जो कि शो करता है कि बेंटन के क्रिएटर्स बेंटन के फ्यूचर के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग आइडिया सोच रहे हैं। हाँ तो ये बात ऑफिशियली नहीं बताई गई, मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है कि वो आइडियाज रिबूट के लिए ही हैं या फिर किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो 50-50% दोनों के चांसेस हैं। एंड बोला था ना ये पॉइंट तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि देगा। और अभी जो फिर से CN या CNHD पर बेंटन ब्लॉकबस्टर आ रहा है उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि उसे जितना
टीआरपी मिलेगी, क्रिएटर्स उतना ही न्यू सीरीज के बारे में बेटर सोचेंगे। एंड बेन 10 रिबूट भी देखने को मिले तब भी देख लेना, थोड़ा बहुत ही देख लेना, बस ज्यादा से ज्यादा टीआरपी बढ़ाओ। लेकिन बेन 10 रिबूट को देखने के टाइम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं बेन 10 के क्रिएटर्स रिबूट 2 को लाने के लिए और मोटिवेट ना हो जाएं कि इंडिया से रिबूट को भी इतना सपोर्ट मिल रहा है तो चलो बनाए फिर से रिबूट। काश ऐसा ना हो तो अच्छा ही है। बाकी लास्ट में तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी से बल्कि इसी वक्त से तुम ऐसे बेन थूबर्स को सपोर्ट करो जो कि सीरीज आने की फेक न्यूज लाइव एक्शन मूवी के अपने मन से ही कास्ट बना देते हैं, ऐसी फेक न्यूज तुम्हें देते हैं और फिर रोकर दिखा देते हैं जब कुछ नहीं आता। तुम लोग उन्हीं के पास जाओ जो पेटिशन बनाते हैं जिस पर साइन पूरे नहीं होते पर बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स बेन 10 ब्लॉकबस्टर का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। तो जो भी तुम्हें अच्छी वीडियोस देते हैं उन लोग का चैनल अभी जाकर अनसब्सक्राइब करो और फेक न्यूज वाले बंदे के पास जाओ, उसे सपोर्ट करो। मैं मजाक कर रहा हूँ सालो, पार्टी मत बदल देना वरना ना तो यहाँ के रहोगे ना बाहर के। इसे तुम प्यार समझो या धमकी वो तुम्हारे ऊपर है। देखो मैं मजाक ही कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले जाना वरना सच में ना इधर के रहोगे ना उधर के। और तुम्हें पता है इस फेक न्यूज वाले को सिर्फ सपोर्ट से मतलब है कि मेरे 30 के करा दो, 40 के करा दो, मैं कैंपेन चलाऊंगा फलाना ढिकाना। अब गधे की नाल, जब तक बोलोगे नहीं तो सुधार कैसे आएगा? लेकिन नहीं, कंटेंट गया मात चुदाने, हमें तो सपोर्ट से मतलब है, सपोर्ट जरूरी है, तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है भैंचोद। ये कुछ भी नहीं करेगा तुमको अभी बता रहा हूँ। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैंचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादरचोद के बच्चे इतने। खैर मुझे अपडेट वीडियो को रोस्ट वीडियो बनाने का मन नहीं है, अगर ऐसे कर्म गिने जाएं तो उस बंदे के पूरे साल और कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो आने तक का टाइम लग सकता है। और जो भी कोई अपडेट आएगी आगे जाकर मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। तुम्हें पता ही होगी कि वो लाइव एक्शन की फेक कास्ट भी बना चुका है। खैर कहने का ही काम हो सकता है हमारा, बाकी करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, तो जो भी करना है तुम्हारे हाथ में है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, एंड कोई भी अपडेट होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट किस टॉपिक चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कुछ करो मत करो। और एक बात और बता दूं कि मेरा सेकंड चैनल भी है जिस पर मैं पोकेमॉन की वीडियोस डालते रहता हूं। अगर तुम पोकेमॉन के भी फैन हो, जबरदस्ती नहीं कर रहा सिर्फ सुन लो अगर मन करे तो अगर तुम पोकेमॉन के भी फैन हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ उसे सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी मेरे हिसाब से ठीक वीडियो डालता हूं। बाकी तुम्हें पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।